हैं आप लोग सभी और संगीत संगीत आप लोग सीखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के लिए लॉकडाउन में घर बैठे बैठे आप लोग सीखें, जो भी कुछ आप लोगों को बताया गया है उसका पूरा अभ्यास हो जाए। और इस चीज़ को हम लेकर शुरू से चलेंगे, संगीत कहाँ से चालू हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसमें कितने पार्ट होते हैं। सबसे पहले संगीत, संगीत का परिचय बताओ। संगीत का परिचय, संगीत गायन वादन और नृत्य के सम्मेलन से बना हुआ है। जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा लगे वो संगीत होता है। कंप्रिय सुरों और तालों को अगर शुद्ध उच्चारण में गाया जाए तो ये संगीत। बिल्कुल, स्वर और ताल अगर हम शुद्ध उच्चारण में गाया जाए वो संगीत है। तुम भी अच्छा बोली, संगीत जो कर्ण प्रिय लगे, जो कानों को अच्छा लगे, हम उसे संगीत कहते हैं। संगीत की अवधारणा ये भी है, संगीत में नृत्य, नाटक और संगीत तीनों का समावेश होता है, तो हम उसे संगीत कहते हैं। संगीत की उत्पत्ति पौराणिक है, कहा था कि मान्य है कि जो ओम शब्द है, ओम शब्द से ही संगीत की उत्पत्ति हुई। और जब संगीत की उत्पत्ति हुई, आगे चलकर के फिर क्या हुआ कि थाटों की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि 10 थाटों का उत्पत्ति किया गया है ना, 10 थाट। और थाट जो भी बना वो बच्चों, थाट में 1200 लगते हैं, 1200 जो थाट बना, थाट से रागों की उत्पत्ति हुई। एक थाट में कितने राग होते हैं? 484 होते हैं। बिल्कुल, 484 राग होते हैं। आप सोच सकते हो कि 10 थाट हैं। फिर बाद में चल करके लोगों ने और भी जैसे रागों का किया, निर्माण किया, लेकिन थाट की जानकारी सबसे पहले होनी। थाट कितने हैं और कौन से थाट में क्या क्या सुर लगते हैं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हम किस थाट में कौन सा सुर लग रहा है, कौन सा स्वर लग रहे हैं, तो दिक्कत होता है। सबसे पहले अभिमन्यु थाट, बिलावल, बिलावल थाट में कौन से सुर लगते हैं, कौन सा स्वर लगता है? सारे सुर। बिलावल थाट में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, ठीक है। बिलावल थाट के बाद आते हैं कल्याण थाट में, कल्याण थाट में कौन सा सुर लगता है? इस थाट में मध्य तीव्र लगता है और बाकी सारे सुर शुद्ध लगते हैं। मध्य तीव्र लगता है। अब जब हम आगे की एपिसोड में आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि सरगम, उसके परिभाषाएं, तीव्र क्या होता है, कोमल क्या होता है, ये आगे के एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे। अभी जैसे हम लोग कहाँ तक आए, कल्याण तक आए। कल्याण के बाद आता है थाट भैरव, तो भैरव थाट में कौन सा स्वर लगता है? रे, धा, कोमल, बाकी सारे स्वर। रे और धा क्या सही है? तो रे और धा कोमल लगते हैं और बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं। भैरव के बाद थाट में आते हैं तो वो थाट है भैरवी। भैरवी थाट में कौन कौन से स्वर लगते हैं? रे, ग, ध, नी, कोमल, बाकी सारे सुर शुद्ध। रे, ग, ध और नी कोमल लगते हैं, बाकी जो स्वर लगते हैं वो शुद्ध लगते हैं। बिल्कुल सही है। अब भैरवी के बाद हम आते हैं थाट काफी में, तो काफी में कौन सा स्वर लगता है? ग, नी, कोमल, बाकी सब शुद्ध। बिल्कुल सही है, ग और नी कोमल लगते हैं और बाकी स्वर जो लगते हैं शुद्ध लगते हैं। अब हम आते हैं असावरी में, असावरी थाट में बेटा कौन सा स्वर लगता है? ग, ध, नी, कोमल, बाकी सब शुद्ध। सही है, ग, ध और नी कोमल लगते हैं और बाकी सब शुद्ध लगते हैं। उसके बाद आता है मारवा, मारवा थाट में कौन सा स्वर लगता है? रे, कोमल और मध्य तीव्र।
मा के रूप में, रे जो है वो कोमल लगता है और मा तीव्र लगता है। अब हम आते हैं थाट पूर्वी में, तो पूर्वी थाट में रे और ध कोमल लगता है, ये मा तीव्र गाता है ना। इसका मतलब है कि मिलता जुलता थाट है। पूर्वी के बाद आता है तोड़ी, थाट तोड़ी, थाट तोड़ी में कौन से स्वर लगते हैं? बेगध है कोमल और मैं तीव्र होता है। तोड़ी के बाद हम आते हैं खमास में, तो खमास में नी कोमल बाकी सब नी जो है कोमल लगता है, बाकी सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। कितनी आप लोगों की जानकारी हो गई, बहुत अच्छा। फिर अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।